वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम फर्स्ट पार्ट में पेट्रियोटिज्म का ये वाला हिस्सा पढ़ चुके हैं, उसको समझा चुका था कि किस प्रकार से दाना जी इन्हें किसी गांव में पिकनिक ले जाने के लिए बात कही थी। यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे बच्चों। चलिए आज हम इसके सेकेंड पार्ट के हिसाब से सेकेंड पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, इसको सुनते जाएंगे। On Sunday, Nanaji, Naina and Ajit started very early for their picnic. अगले रविवार को नानाजी, नैना और अजीत ये तीनों ने बड़ी जल्दी सुबह सुबह तैयारी कर ली पिकनिक जाने के लिए। They took the first train to the village Himpath. तो Himpath, फिर उसके बाद इन्होंने सुबह सुबह सबसे पहली जो ट्रेन थी हिमपैथ जाने की, गांव का नाम है इस गांव को हिमपैथ जाने की, जो गांव जाने का जो पहला ट्रेन था उस ट्रेन को उन्होंने पकड़ लिया, उसमें बैठ गए तीनों के तीनों। 2.5 hours later दे फाउंड themselves एट ए टाइनी डस्ट रेलवे स्टेशन। 2.5 hours, टू दो एंड हाफ आधा, ढाई घंटे के बाद उन्होंने अपने आप को एक छोटे से धूल भरे रेलवे स्टेशन में पाया। ठीक है बच्चों, जब गाड़ी रुकी तो एक छोटा सा स्टेशन, टाइनी छोटा सा डस्टी धूल भरा रेलवे स्टेशन, अपने आप को देम सर्विस, अपने आप को फाउंड पाना, अपने आप को उन्होंने छोटे से धूल भरे रेलवे स्टेशन में अपने आप को पाया। दे गॉट डाउन एंड स्टेपेड आउटसाइड, वे लोग नीचे उतरे और अपने पांव को आगे बढ़ाने लगे, आगे की ओर, आगे स्टेपेड आउट, आउटसाइड, स्टेपेड मतलब पैर को आगे बढ़ाना है, आउटसाइड बाहर की ओर आगे बढ़ना, तो वे उतर करके आगे बढ़ने लगे। तभी ए लार्ज वेल बिल्ड बियरिंग ए वाइट धोती एंड कुर्ता, एक अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति जो वियरिंग पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था, सफेद रंग की धोती और कुर्ता पहना हुआ था, वह व्यक्ति सामने में आया। एंड स्पॉटिंग ए ह्यूज टर्बन, और उसका जो सर में ध्यान दे तो पगड़ी, बड़ा सा ह्यूज टर्बन, बड़ा सा पगड़ी पहना हुआ था। तो इस प्रकार से वह हट्टा कट्टा व्यक्ति सामने में आया एंड ग्रीटेड देम विद फोल्डेड हैंड, और दोनों हाथ को जोड़ करके बढ़िया सम्मान के साथ में हमें नमस्कार किया, प्रणाम किया नानाजी को, इस प्रकार से उसका सम्मान हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा स्वागत हुआ उस छोटे से रेलवे स्टेशन में। ही लीड देम टू ए बुल्क कार्ट एंड मच टू अजीत्स डिलाइट लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, लीड करना मतलब रास्ता दिखाना, नेतृत्व करना, आगे की ओर ले जाना। उन्होंने हमें धीरे धीरे एक बैल की गाड़ी, बुल्लॉक कार्ट, बैल गाड़ी के पास हमें ले गया, वहां तक पहुंचाया। और अजीत के लिए सबसे ज्यादा खुशी का बात था, डिलाइट मतलब खुशी, अजीत की खुशी का ठिकाना नहीं, उसको तो लिफ्टेड ऊपर उठा दिए, छोटा बच्चा है इसकी वजह से उन्होंने उसको ऐसे हवा में उठा दिए एंड प्लेस्ड, और उठा करके गाड़ी में भी सीधा बिठा दिए, रख दिए, उसको चढ़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, तो उसके लिए बड़ी खुशी की बात हो गई। द कार्ट ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच्ड द विलेज। ट्रंडल्ड मतलब होता है धीरे धीरे चलना, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो वह गाड़ी, अब भाई बैलगाड़ी है तो 80 की स्पीड में नहीं भागेगा, है कि नहीं, तो बैलगाड़ी धीरे धीरे चली लगभग एक घंटा, एन आवर, कम से कम एक घंटा यह समय बीता, उसके बाद हम एक गांव में पहुंचे। ठीक है बच्चों, फाइनली रीच्ड द विलेज, अंततः हम लोग उस गांव में पहुंच गए जहां पहुंचना था। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ लार्ज ब्रिक हाउस, वह गाड़ी अलाइटेड, रुकना, उस स्थान पे उतरना, उतारना,
उन्होंने हमें एक बड़े से ब्रिक, मतलब होता ईंट, ईंट के बने घर, बहुत बड़ा घर था ईंट से बना हुआ, उस घर के सामने में हमें उतार दिए। अलाइटेड मतलब होता उतारना। एंड इल्डरली में, इल्डरली मैन एंड वुमेन केम आउट ग्रीटिंग नाना जी एंड फजिंग ओवर द किड्स। तभी उस घर से एक वृद्ध पुरुष और महिलाएं जो उम्र में वृद्ध हो चुके थे, वे उस घर से बाहर निकले और नाना जी का सम्मान किए, उन्हें प्रणाम किए या सम्मान किए और ध्यान बच्चों के ऊपर दिए। फजिंग ओवर द की, फजिंग मतलब ज्यादा ध्यान देना, और बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दिए। दे स्पोक इन डायलेक्ट, वे अपनी बोली में बात कर रहे थे, अपनी भाषा में बात कर रहे थे, अपनी बोली में बात कर रहे थे। विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे नैना और अजीत को समझ पाने में परेशानी हो रही थी, वे उस बोली को, उस भाषा को नहीं समझ पा रहे थे। तो इस प्रकार से बात हो गई। एन आवर लेटर, एक घंटे के पश्चात, आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, उन्होंने अपना नाश्ता खत्म कर लिया, तब नाना जी टुक देम टू ए ह्यूज पीपल ट्री, नाना जी ने उन दोनों बच्चों को एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ले गए। वेयर देयर वाज अ प्लेटफॉर्म, जहां पे चबूतरा बना हुआ था। चलिए देखते हैं इस फोटो में, देखिए क्या लिखा, क्या बताया। एक घंटे के बाद नाना जी ने बच्चों को, जब नाश्ता हो गया तो नाना जी ने उन बच्चों को एक विशाल पीपल के पेड़ के पास ले गए, जहां पे एक चबूतरा बना हुआ था। प्लेटफॉर्म मतलब होता है चबूतरा। दे सैट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी, सभी के सभी बैठ गए और नाना जी ने अपनी कहानी शुरू किया। तो ये हो गया पीपल का पेड़, और ये हमारे बच्चे यहाँ पे चबूतरा बना है वहाँ पे बैठे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अराउंड कहानी शुरू करते हैं। अराउंड 10 years अगो, 10 साल पहले की बात है। There was a young man whose name was Akash. यहाँ एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था आकाश। एक युवा व्यक्ति रहता था जिसे हम आकाश के नाम से जानते हैं, जानते थे उस समय। He was studying to be a doctor. वह डॉक्टर की पढ़ाई, चिकित्सा की पढ़ाई कर रहा था। After he completed his MBBS, he worked hard. जब वह अपनी MBBS की पढ़ाई पूरा किया, तब वह कड़ी मेहनत, और कड़ी मेहनत किया, कड़ी मेहनत करके एंड वन स्कॉलरशिप टू USA, वो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जो कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA। तो यहां अमेरिका की स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, तो इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की और वहाँ का जो कंपटीशन, प्रतियोगिता था, उसमें विजयी हुआ और उसे इसके लिए अमेरिका में पढ़ने का पुरस्कार मिला। वह वहाँ जाकर के बढ़िया अच्छे से पढ़ सकता था और आगे की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता था। तो जीत गया वो, कड़ी मेहनत किया था, सिंपल सी बात है। तो वह जीत गया और आगे हो गया, ठीक है, पास हो गया, बढ़िया। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री, उन्होंने अंततः अपनी मास्टर डिग्री, उच्च शिक्षा, उच्च जो उपाधि थी, वह अमेरिका में पूरा कर लिया, ठीक है, उन्होंने वहां पे अपना पूर्ण कर लिया। एंड डिसाइडेड टू कम बैक, और निर्णय लिया कि मैं वापस आऊंगा भारत देश, ऐसा उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया, ऐसा उन्होंने सोचा। अलॉन्ग विथ हिम 10 ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड ऑल्सो गॉन फॉर हायर स्टडीज टू अमेरिका। दे ऑल स्टेड बैक बट आकाश रिटर्नेड, आकाश के साथ में उस समय अमेरिका जाने वाले 10 और उसके दोस्त थे, 10 दोस्त और थे अमेरिका जाने वाले, तो वे सभी दोस्त अमेरिका में ही रुक गए। दे ऑल स्टे बैक, वे वही वापस रुक गए, लेकिन आकाश वापस आ गया, वापस अपने भारत आ गया। आकाशेस फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन, उसके पिताजी उसके निर्णय से खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट ए फॉरेन डिग्री,
उसके पिता को इस बात का गर्व था कि उसका लड़का, उसका बेटा अमेरिका से विदेश की उपाधि प्राप्त करके आया है। फॉरेन मतलब होता है विदेश, डिग्री मतलब उपाधि। उसको इस बात का गर्व था, प्राउड मतलब गर्व, कि उसका बेटा विदेश से उपाधि प्राप्त करके आया है। He wanted his son to make America his home. वह चाहता था कि उसका लड़का अमेरिका को अपना घर बनाए, earn a lot of money और खूब सारा पैसा कमाए, and finally और अंत में invite his parents and sisters also to settle down in America और अपने माता पिता को, अपनी बहन को वह बुलाए अमेरिका में और अमेरिका में बसने दे, अमेरिका में रहें, हम सब मिलकर के रहें, ऐसा उनका सपना था। लेकिन आकाश ने ऐसा नहीं किया, बट आकाश वास एडामेंट, लेकिन आकाश तो एडामेंट मतलब होता है हठी, जिद्दी, लेकिन आकाश तो जिद्दी था, हठी था, बिल्कुल जो करना है, जो मैंने ठान लिया वो मैं करूँगा। इस प्रकार से माय कंट्री हैज, तब उन्होंने बताया माय कंट्री हैज स्पेंट थाउजेंड्स ऑफ रुपीस इन एजुकेटिंग मी, मेरे देश ने मुझे पढ़ाने के लिए मेरे ऊपर हजारों रुपया खर्च कर चुका है, मेरे ऊपर मुझे पढ़ाने में, आई हैव टू रीपे दिस डेबट, मुझे इस ऋण को चुकाना है। रीपे करना मतलब होता है चुकाना, डेबट मतलब होता है ऋण, कर्ज, मुझे इस कर्ज को चुकाना है, मुझे मेरे ऊपर जो मेरे देश ने मेरे ऊपर जो पैसा खर्च किया है, मुझे इस देश को वापस चुकाना है, इस कर्ज को चुकाना है, ऋण को चुकाना है, ऐसा सोच करके उन्होंने ये निर्णय लिया। दे द ओनली वे आई कैन डू इट इज बाय सर्विंग द पीपल हियर, मैं इस ऋण को किस प्रकार से चुका सकता हूँ, केवल इसका एक ही तरीका है पिताजी, मैं इस देश के लोगों की सेवा करके मैं अपने देश का जो ऋण है उसे चुका सकता हूँ। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। भाई अमेरिका तो विकसित और अमीर देश है, वहां डॉक्टरों की कमी नहीं है, हमारे गांव, हमारे देश के जो गांव हैं वहां सबसे ज्यादा अच्छे डॉक्टरों की आवश्यकता है पिताजी, तो मैं अपने देश में रह करके, अपने गांव में रह करके, अपने गांव के लोगों की सेवा करके, अपने देश के सेवा को, लोगों की सेवा करके मैं अपने ऊपर ऋण को उतारना चाहता हूँ, अपने देश के ऋण को मैं अपने आप से उतारना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं देश में रहना चाहता हूँ, देश में रह करके काम करना चाहता हूँ, ऐसा वो बताया। What happened नानाजी? नानाजी आगे क्या हुआ? Did Akash come back to India? क्या आकाश इंडिया आया? ऐसा करके बच्चों ने पूछा। Yes child, हाँ बेटे, he did, उन्हें ऐसा किया, बिल्कुल उसने ऐसा किया। In the beginning, he worked in a government hospital in the city. शुरुआत में वह इस शहर के सरकारी अस्पताल में उन्होंने डॉक्टर के रूप में काम किया। A year later, an epidemic broke out in the nearby village. एक साल के पश्चात उसे कहीं से उसी पास के गांव में एक महामारी, epidemic broke out. एक महामारी बहुत भयानक रूप ले चुका था, broke out, भयानक रूप लेना, बहुत बढ़ चुका था, एक महामारी है। महामारी जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कोरोना महामारी चल रहा है ना? हैजा बोलते हैं महामारी, जिसमें बहुत ही भयानक दर्दनाक मौतें होती है ना? तो ऐसी खतरनाक महामारी के बारे में पता चला आकाश को। When Akash learned about that, he just packed his bags and left. He didn't even inform his parents. आकाश ने जैसे ही इसके बारे में जानकारी उसको मिला, उसने तुरंत अपना बैग को पैक किया, तुरंत बैग पैक किया और हॉस्पिटल छोड़ दिया। यहां तक कि उसने अपने माता पिता को भी इसकी जानकारी नहीं दी। वाई, क्यों? आस्के अजीत, अजीत ने पूछा क्यों नहीं बताया अपने माता पिता को? बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम सिली, अरे बुद्धू, सिली मतलब होता है बुद्धू, अरे बुद्धू, उसके माता पिता सुनते तो उसको रोक नहीं लेते, ऐसा करके नैना है वो कहती है। और क्या कहती है?
इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स समटाइम्स द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स आल्सो डाई. नैना सेड. नैना कहती है कि मैंने विज्ञान में पढ़ा है, मैंने विज्ञान में यह पढ़ा है दाना जी कि कई बार महामारी का इलाज करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, महामारी से पीड़ित लोगों की जो इलाज करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, कई बार इनके खुद के भी इतने खतरनाक कंडीशन आ जाते हैं कि वे स्वयं भी इसके चपेट में आ करके मौत, इनकी भी मौत हो जाती है, वे भी मृत हो जाते हैं. ऐसा मैंने पढ़ा है विज्ञान में नाना जी. यस नैना, नैना इज राइट. हाँ नैना तुम बिल्कुल सही हो. एनीवे खैर कोई बात नहीं. ए वीक लेटर, एक सप्ताह बाद आकाशस फादर गॉट ए पोस्ट कार्ड. आकाश के पिताजी को एक पत्र मिला, पोस्ट डाक के माध्यम से उनको एक पत्र मिला फ्रॉम हिम. आकाश के पिताजी को आकाश के फ्रॉम हिम उससे आकाश से एक पत्र मिला सेइंग दैट ही वाज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स एंड दैट द सिचुएशन वाज वेरी ग्रिम, जिसमें यह लिखा हुआ था कि वह बीमार लोगों की इलाज करने में बिजी है, व्यस्त है और वहां का सिचुएशन बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब, ग्रिम, बहुत अत्यधिक खराब होना, अत्यधिक दयनीय होना. तो उसके लेटर में यही लिखा हुआ था कि वहां का जो स्थिति है बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है. तो इस प्रकार से उसने इतना ही बस लिखा. बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज. लेकिन आकाश ने यह नहीं बताया कि वास्तव में कहां पे है. फियरिंग द दैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक. उसके पिताजी फिर भी कुछ कोशिश किए कि मैं उसे जा करके अपने घर वापस ले आऊं, ड्रैग अप खींच करके अपने घर में वापस ले आऊं, ऐसा सोचने लगे, ऐसा फियरिंग चिंता करके उसने ऐसा सोचने लगे. टू वीक्स लेटर. अब भाई पता ही नहीं था तो वो कहां जाता ढूंढने के लिए, उन्होंने जानबूझ करके एड्रेस को बताया नहीं था. टू वीक्स लेटर, दो सप्ताह के बाद हिज फादर रिसीव्ड ए फोन कॉल. तभी उसके पिताजी एक फोन, उसके पास एक फोन आया saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. उसके पास एक फोन आया जिसमें यह बताया गया कि आकाश बहुत ही गंभीर अवस्था में सिटी हॉस्पिटल, उस शहर की जो हॉस्पिटल अस्पताल है उसमें गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया है, उसका इलाज चल रहा है. ऐसा उसके पास ऐसा संदेश आया था उसके पिताजी के पास. ठीक है बच्चों, his parents rushed to see him. रशेड मतलब तेजी, थोड़ा सा भी समय नहीं गवाए उसके माता पिता तुरंत दौड़ करके उसे देखने के लिए चले गए. He was in a very bad state. उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी, आकाश बहुत ही खराब स्थिति में था, बेड में पड़ा हुआ था. He could barely speak. मुश्किल से बोल पा रहा था, उसको उसमें बोलने की भी ताकत नहीं थी, इतना कमजोर हो गया था, इतना उसका तबीयत खराब हो चुका था. तभी वाई आर यू torturing yourself as well as us, son. His father asked him why his mother started sobbing. उसके पिताजी उससे कहते हैं कि why are you torturing yourself as? क्यों तुम अपने आप को इतना पीड़ा दे रहे हो बेटे? ऐसा करके वह अपने बेटे से बोलता है, नाना जी कह रहे हैं, सॉरी उसका आकाश के पिताजी है, वह अपने बेटे से बोलता है तुम अपने आप को इतना तकलीफ, टॉर्टरिंग मतलब होता है तकलीफ देना, बेटे तुम अपने आप को इतना तकलीफ क्यों दे रहे हो, तुम अपने आप को तो दे ही रहे हो एज वेल एज अस, साथ ही हमें भी तकलीफ पहुंचा रहे हो बेटे. भाई तुम्हें देखकर हमें, हम तुम्हें तकलीफ में देख करके हम खुश रह सकते हैं क्या? तो इस प्रकार से उसके पिताजी बोलता है और उसी समय, बल्कि उसकी मम्मी कुछ ना बोल करके सॉबिंग मतलब रोना, सुसकना, वो उसकी माँ धीरे धीरे सुसक सुसक के उसके पास बैठ करके रो रही थी. तो इस प्रकार से हॉस्पिटल का सिचुएशन है. आई कैंट हेल्प इट फादर, आई कैंट बियर टू सी पीपल सफर. मैं आपको परेशान कर रहा हूं
मैं कर रहा हूं, इसमें आपकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता पिताजी, लेकिन मेरे सामने में कोई व्यक्ति यदि तड़प रहा है, यदि कोई व्यक्ति मेरे सामने में पीड़ित है, यदि कोई समस्या से जूझ रहा है, उसके पास शारीरिक परेशानी है, तो मैं यह कभी सहन नहीं कर सकता, मैं उसकी सहायता किए बगैर रह जाऊं या मैं कभी नहीं सह सकता। बियर मतलब सहन करना, यह मुझसे नहीं हो सकता पिताजी, इसकी वजह से मैं सहायता करने के लिए गांव में चला गया। Your friends are enjoying life in America. तुम्हारे दोस्त अमेरिका में अपना जीवन को मजे से जी रहे हैं, earning pots of money, कई हजारों करोड़ रुपए वे कमा रहे हैं वहां पे, and living in comfort, और बड़े आराम से अपना जीवन जी रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं। एंड लुक एट यू हियर, और अपने आप को देखो, तुम अपने आप को फाइटिंग फॉर योर लाइफ, तुम तो अपने जीवन के लिए लड़ाई कर रहे हो। हैं, तुम्हें मैं पहले ही बोला था कि अमेरिका में तुम्हें वहीं रहना चाहिए था, तुम तो यहीं आ गए। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस, मुझे आज तक समझ में नहीं आया बेटा कि तुम यह सब करके क्या बताना चाहते हो, क्या सिद्ध करना चाहते हो। इफ यू डोंट केयर अबाउट यूर सेल्फ, एटलीस्ट स्पेयर ए थॉट फॉर यूर पुअर मदर। अरे बेटा, तुम अपने आप के बारे में नहीं सोच सकते, कम से कम अपने दुखी माँ के बारे में कम से कम सोचो बच्चे, है? तुम अपने माँ के बारे में कम से कम सोचो, हम पे क्या बीत रही है, है? तुम तो अपना काम कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे माता पिता हैं, हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी, कम से कम इसके बारे में सोचो बेटा। ऐसा करके वह अपने बेटे से बोलता है, आकाश से बोलता है, जस्ट सी हर कंडीशन, देखो अपनी परिस्थिति को, है? उसके माँ को, माँ की ओर इशारा करते हुए बताता है, देखो उसकी परिस्थिति को, वो कैसी स्थिति में जी रही है तुम्हारे जाने के बाद, है? तो इस प्रकार से कम अपनी माँ के बारे में तो सोच लो। शी हैज गॉन हाफ मैड, वह आधा पागल हो गई है, वरिंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में चिंता कर करके वह आधा पागल हो गई है, तो कम से कम तुम अपनी माँ के बारे में तो सोचो बच्चे। ऐसा करके उसके पिताजी आकाश को समझाता है, फादर आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन। पिताजी, मैं आपको कन्विंस मतलब समझाना, मैं आपको मेरे काम के बारे में आपको नहीं समझा सकता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था पिताजी। All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives. मैं ये समझा पाने में असमर्थ हूँ पिताजी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये नहीं समझा सकता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात से संतुष्ट हूँ, मैं सेटिस्फेक्शन संतुष्ट हूँ कि मैंने कई लोगों का जीवन बिताया, इस बात से मुझे बहुत खुशी है। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें, इफ आई हैव टॉर्टर्ड यू, मैं यदि आपको तकलीफ पहुँचाया होऊंगा तो मुझे क्षमा करना पिताजी, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे समझने की कृपा करें, मुझे समझें, दैट आई कुड नॉट हेल्प इट, कि मैं आपको समझा पाने में असमर्थ हूँ, कि इस बात को समझे मुझे, मैं आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग। भाई, मैं अपने सामने में किसी व्यक्ति को मरते हुए नहीं देख सकता, मैं मर रहा है वह व्यक्ति मेरे सामने में, और मैं कुछ ना कर सकूं, ना करूं, यह मुझसे कभी भी सहन नहीं होता पिताजी, इसी वजह से मैं उस गांव में जा करके सहयोग करना, हेल्प करना ज़्यादा बेटर समझा। तो इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट करते हैं बच्चों, लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, इसकी वजह से मैं इसको पार्ट पार्ट में बना रहा हूँ। लाइक करें, शेयर करें, और अगला पार्ट को भी देखें, ठीक है? थैंक यू।